Good morning students, welcome to standard 3rd subject maths. Okay, we will continue our chapter 13 smart chart. Smart chart में कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है कि चार्ट आपको पूरी डिटेल में आपको कुछ नहीं लिखना है. तो जैसे हम हमारे रजिस्टर में करते हैं कि रजिस्टर में पता है कि पूरा नाम लिखा होता है पूरे क्लास के स्टूडेंट्स का, बट हाउ मेनी बॉयज एंड हाउ मेनी गर्ल्स, तो लिख देते हैं कि इतने बॉयज हैं इतने गर्ल्स. उसके लिए पूरे सबके नाम, गर्ल्स के 10 गर्ल्स है तो 10 गर्ल्स के नाम लिखने की जरूरत नहीं है, 12 बॉयज है तो 12 बॉयज के नाम लिखने की जरूरत नहीं है. हम इस तरह से चार्ट के एब्सेंट बॉयज, प्रेजेंट गर्ल्स, प्रेजेंट एब्सेंट गर्ल्स, इस तरह से पूरा डिटेल में लिखना होता है. तो उसके लिए हम सबके नाम नहीं लिखते, बस उसके नंबर लिख देते हैं, है ना. तो इसी तरह से अब यहाँ पे है नेक्स्ट चार्ट एक है, तो मैं एवरी टाइम आपको चार्ट के साथ साथ टैली मार्क भी कराने जाऊंगी जो आपको सीखना है. ओके, तो टैली मार्क हम किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिख के रखा है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर, पीपल जो साथ में रहते हैं. देन नेक्स्ट है हाउ मेनी फैमिलीज, तो कितनी फैमिलीज में एक सिंगल लोग रहते हैं, कितनी फैमिलीज में टू पर्सन रहते हैं, कितनी फैमिली में थ्री पर्सन होते हैं, फोर पर्सन होते हैं. तो वो फैमिलीज हमें अपने अकॉर्डिंग थोड़े से, ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड की या पूरे एरिया की या फिर पूरे, तो हम अकॉर्डिंग टू हमारे अपार्टमेंट या बिल्डिंग का या हमारी सोसाइटी का हम करके देखते हैं. ओके, एंड देन लास्ट में लिखा है मैंने टैली मार्क, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टैली मार्क भी लगाना है. ओके, तो फर्स्ट है हमारा वन अलोन. वन अलोन मतलब सिर्फ एक ही पर्सन रहता है. तो बहुत सारे जगह पे क्या होता है कि वो लोग जॉब के लिए, जॉब की वजह से या इस वजह से आपके फादर या फिर आपके अंकल अदर स्टेट में जाके रहते हैं, तो वो लोग अकेले ही रहते हैं, है ना, कि वो अकेले ही कुछ अपनी कंपनी का हाउस होता है या कंपनी के रूम लिए होते हैं, वहाँ पे जाके वो लोग अकेले रहते हैं. तो कितनी फैमिलीज ऐसी है जहाँ पे सिंगल पर्सन रहते हैं, सिंगल लोग रहते हैं, तो वहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, ज्यादा लोग अकेले नहीं होते हैं. तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं टू. अभी टू के लिए टैली मार्क क्या आएगा, तो सिर्फ टू स्ट्रेट लाइन बना देंगे. ओके, देन नेक्स्ट है टू पीपल. कौन सी फैमिली ऐसी है कि जहाँ पे सिर्फ टू पीपल रहते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, है ना, तो हस्बैंड वाइफ होते हैं तो नई नई शादी हुई होती है तो वो लोग दो अकेले ही होते हैं, तो टू पीपल वाली फैमिलीज कितनी है, तो हम अप्रोक्सीमेट लिख देंगे फोर. यहाँ पे फिर टैली मार्क कर देना है 1 2 3 4. ओके, नेक्स्ट थ्री पीपल फैमिलीज, तो थ्री पीपल फैमिली बहुत ज़्यादा होती है कि हस्बैंड वाइफ एंड उनके बच्चे, उनका चाइल्ड. ओके, तो वैसी फैमिलीज ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10. तो यहाँ पे टैली मार्क करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ओके, तो इस तरह से 10 हो गया टैली मार्क. देन है फोर पीपल, तो फोर पीपल वाली फैमिली भी बहुत सारी होती है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं कि टू ब्रदर, बॉय गर्ल एंड पेरेंट्स, है ना, मम्मी पापा एंड बॉय गर्ल, बॉय बहन, तो वो हम लिख देते हैं 12. तो यहाँ पर टैली मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ओके, नेक्स्ट है फाइव पीपल, तो यहाँ पे दादा दादी भी होते हैं, तो ऐसी फैमिलीज भी बहुत सारी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 फैमिलीज. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 फैमिलीज ऐसी है जो फाइव पीपल वाली है. फिर यहाँ पे सिक्स फैमिली, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. नेक्स्ट है सेवन पीपल, सेवन पीपल वाली फैमिली कितनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. नेक्स्ट है एट पीपल, तो ग्रैंड पेरेंट्स एंड अंकल एंड आंट, जो जॉइंट फैमिली होती है, बिग फैमिली होती है, तो उसमें हम सिंपल सा काउंट करें तो देखो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, फिर मम्मी पापा चार हो गए, आपके साथ वो पांच हो गए, फिर आपके अंकल आंट, तो 6 7 एंड
आठ पीपल हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी फैमिलीज कितनी है, तो हम फाइव फैमिलीज, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपको इस तरह से चार्ट पूरा रेडी करना है, इस तरह से क्या लिखना है, कितने पीपल यहाँ पे फैमिलीज एंड यहाँ पे उसके टैली मार्क्स भी आपको लगाते जाने हैं। फिर नीचे क्वेश्चन है, मोस्ट फैमिलीज हैव लेस पीपल लिविंग इन देयर होम्स। यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन 1, मोस्ट फैमिलीज हैव डैश पीपल लिविंग इन living in their homes. Most families have less people living in their home. तो most family क्या है, most family है मतलब ज्यादा, कौन सी family है जिसमें, तो 12 families ऐसी है living in their homes, 12 families है, तो 4 people, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 people, आंसर आएगा 4. 4 people वाली family ज्यादा है, कितनी है, 12. The most families have 4 people living in their homes. Most मतलब ज्यादा, कौन कितने लोगों की family होती है, तो 4 people वाली family ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले villages में ऐसा होता है, तो आपके गांव होते हैं, तो गांव में आपके grand parents रहते हैं, जॉब की वजह से आपके फादर को सिटीज में आना पड़ता है, तो वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि जॉइंट फैमिली रह पाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे स्मॉल फैमिली मतलब 4 पीपल फैमिली ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 4 पीपल लिविंग इन द हाउस। 2 नंबर है आपका, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल, द स्मॉलेस्ट नंबर of people, smallest number of people living in a home is, living in a home is death. क्या है, the smallest number of people living in a home is, तो वो कितने हैं, alone वाले हैं, जो वो ज्यादा नहीं रहते, वो फिर क्या करते हैं कि कंपनी का हाउस होता है तो अकेले अकेले नहीं होते, दूसरे भी और दो तीन उनके साथ जो कलीग्स होते हैं वो भी रहते हैं, तो अलोन तो ऐसा है कि कोई ही रेयरली ऐसा होता है कि अलोन रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन होम इज अलोन, 1 अलोन, ओके। 3 नंबर है आपका, कि द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल इज, द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल इज, हैविंग 4 people is death. तो 4 people वाली family कितनी है, तो 4 people वाली family है 12. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 12. ओके, तो इस तरह से ये पूरा चार्ट क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो एक चार्ट है वो क्या है, व्हाट हैव योर क्लासमेट बॉट फॉर लंच टुडे, फाइंड आउट एंड नोट डाउन, और उसके रिलेटेड हमें चार्ट बनाना है। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं, ओके। Okay.
for lunch today? Lunch today. तो आपके क्लासमेट जो है वो लंच में क्या क्या लेके आए हो उसका लिस्ट बनाना है. ओके, फाइंड आउट एंड नोट डाउन. ओके, तो हम बनाते हैं फाइंड फूड आइटम एंड नंबर ऑफ फूड आइटम. फूड आइटम ज्यादा लेके आए हैं. तो यहाँ पे इडली क्या है, इडली
smallest number of student. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सबसे कम क्या चीज लेके आए, तो थ्री स्टूडेंट सैंडविच लेके आए, तो थ्री ही स्टूडेंट सैंडविच लेके आए, जबकि बाकी सारे इडली पोहा आलू पराठा या पुलाव लेके आए हैं, है ना, तो वो सबसे कम क्या आएगा, सैंडविच. तो ये चार्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं. चलो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम. आपने वैसे डिजिटल में सारा देख ही लिया है, बट वो क्या है कि बहुत सारे तो इसलिए मुझे बोर्ड पे वो चीज वन टाइम रिपीट कर देनी पड़ती है. ओके, तो मैं रिपीट कर दे रही हूँ सारी चीजें. तो यहाँ पे है अभी गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट. ओके, तो चार्ट बनाने में भी स्मार्ट हो जाओ, है ना, क्या है कि चार्ट बनाने में स्मार्ट हो जाओ. अटेंडेंस बोर्ड, यहाँ पे अटेंडेंस बोर्ड बनाया है कि कहाँ पे कितने स्टूडेंट है वो. ओके, तो मैं वो चार्ट बना देती हूँ फटाफट पहले, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रेजेंट एंड स्टूडेंट एब्सेंट. ओके, क्लास क्लास number of students, ये है student present and student absent. तो ये चार्ट है. फिर टोटल टोटल स्टूडेंट 121, उसमें से प्रेजेंट स्टूडेंट 109 एंड एब्सेंट स्टूडेंट 12. ओके, तो अभी उसके रिलेटेड
These bars show the number of students in each class. It also show the number of students present and absent. Okay? How many children in all are there in the school? यहाँ पे first question क्या है? First है how many? Many students. How many students in all are there in all are there in all are there in the school in the क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने टोटल लगा दिया है कितना है 121 तो यहाँ पे आंसर आएगा 121 टू नंबर करेंगे हम तो यहाँ पे क्या है हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे हाउ मेनी चिल्ड्रन How many children in all are in all are absent on that day तो कितने children total यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक class में कितने absent है okay total कितने absent है तो यहाँ पे आएगा 12 क्या आंसर आएगा 12 ओके फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट अभी आपको चार्ट क्या बनाना है एब्सेंट स्टूडेंट का चार्ट बनाना है दिस इज अ चार्ट टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट स्टूडेंट ईच एब्सेंट स्टूडेंट इज शो बाय स्माइली बॉल बनाने हैं आपको इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 ओके हमें वो चार्ट बनाएंगे जैसे मैं टैली मार्क आपको कराती हूँ तो टैली मार्क की जगह यहाँ पे क्या बनाना है स्माइली बॉल ओके ये आपने लिख लिया होगा मैं ये रब कर रही हूँ फिर हम क्या बनाते हैं एब्सेंट स्टूडेंट चार्ट ओके क्या बनाते हैं एब्सेंट स्टूडेंट चार्ट मैं ये एकदम ईजी है आपके टेक्स्ट बुक में है तो आपको लिख लेना है अभी हम चार्ट बनाते हैं ओके तो इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं ये रब नहीं कर रही हूँ ओके तो है पहला एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट क्लास तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ओके तो उसका चार्ट हम कैसे बनाएंगे तो जैसे हम टैली मार्क करते थे तो यहाँ पे एब्सेंट कितने हैं 2 तो अगर आप टैली मार्क करोगे तो यहाँ पे इस तरह से 2 लाइन आएगी ओके बट यहाँ पे हमें क्या यूज करना है स्माइली बॉल यूज करना है यहाँ पे 2 एब्सेंट है तो 2 स्माइली बॉल आपको बनाने हैं इस तरह से 1 and 2 यहाँ पे इस तरह से सिंपल वाले भी बना सकते हो स्माइली बॉल ओके स्माइली बॉल्स बनाने हैं फिर सेकंड स्टैंडर्ड में 1 एब्सेंट है तो 1 स्माइली बॉल बनाना है आपको है ना फिर थर्ड स्टैंडर्ड में 3 एब्सेंट है तो 3, 1, 2 and 3 स्माइली बॉल बनाना है ओके
आपको ये दिया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग काउंट कर सकते हैं ना कि टू स्माइली बॉल है दैट मींस टू स्टूडेंट, वन है दैट मींस वन स्टूडेंट एब्सेंट है, थ्री है दैट मींस थ्री स्टूडेंट एब्सेंट है, फोर्थ में फोर स्टूडेंट एब्सेंट है, तो फोर स्माइली बॉल बनाने पड़ेंगे आपको, टू थ्री एंड फोर फिर स्माइली बना देनी है। ओके, तो ये इस तरह से आपका स्मार्ट चार्ट रेडी हो जाता है कि आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, ऐसे नहीं कि टैली मार्क की लाइन करो या फिर स्माइली बॉल बनाओ। ओके, फाइव नंबर फिफ्थ स्टैंडर्ड में टू स्टूडेंट सेक्शन है, तो वन एंड टू स्माइली बॉल। ओके, तो ये हो गया स्मार्ट चार्ट एब्सेंट स्टूडेंट चार्ट, तो आप इस तरह से स्माइली बॉल बना के भी एब्सेंट स्टूडेंट का चार्ट बना सकते हो। ओके, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज, कौन से क्लास में हाईएस्ट स्टूडेंट एब्सेंट है, तो फोर्थ स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्लास फोर। नेक्स्ट है द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज, लीस्ट मतलब कम, तो वन ही स्टूडेंट है, सेकेंड स्टैंडर्ड में वन स्टूडेंट है, तो आंसर क्या आएगा, क्लास सेकेंड। द क्लास विद थर्ड स्टूडेंट एब्सेंट इज, थर्ड स्टूडेंट इज कौन से स्टैंडर्ड में एब्सेंट है, तो थर्ड स्टैंडर्ड में, तो आंसर क्या आएगा, क्लास थर्ड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ, तो नंबर फोर्थ स्टैंडर्ड में कितने एब्सेंट है, फोर, एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड में कितने एब्सेंट है, तो टू। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे, वो आपको प्रॉपर देख के इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।